एक पासे सरकार कह रही है कि चाइना डोर बेचना ते स्टोर करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर सरकार दे इन हुक्मां दी धज्जियां उड़ा के नंगल ते इस दे आसपास दे पिंडां विच चाइनी डोर चोरी छुपे बेची जा रही है। चाइना डोर खरीदने वालों नूं तां पता चल जाता है कि चाइना डोर कित्थे मिलती है, पर प्रशासन नूं नहीं पता चलता कि आखिर चाइना डोर कित्थे बिक रही है। भावें सरकार वालों इस घातक चाइना डोर नूं बेचण उत्ते पूर्ण रूप दे विच पाबंदी लाई हुई है, पर कुछ लोग अपने चंद रुपयां दे मुनाफे खातर आम लोकां अते पक्षियां दी जिंदगियां नाल इह चाइना डोर वेच के खिलवाड़ कर रहे हैं। जंगल दे विच जिथे चाइना डोर नाल हुण तक कई व्यक्ति जख्मी हो चुके हैं, उत्थे पक्षी भी इसकी मार हेठां आ के मर रहे हैं। इस डोर विच फस गए कई पक्षियों ने तो अपनी जान ही गुआ दी है। इस तरह चाइनी डोर विच फस के अपनी जिंदगी अते मौत नाल संघर्ष कर रहे एक पक्षी नूं नंगल दे अड्डा मार्केट दे स्थानिक वसनीकां द्वारा काफ़ी मुशक्कत तो बाद चाइना डोर तो आजाद करवाया गया। मिली जानकारी अनुसार पहाड़ी कां प्रजाति का पक्षी फायर ब्रिगेड की टीम की मदद के नाल 200 फुट उच्चे बूटे उत्ते इस चाइना डोर दे विच फसे हुए कां नूं नीचे उतारिया गया ते बड़े ही सावधानी दे नाल चाइना डोर नूं कट्टिया गया ते उस पक्षी नूं आजाद करवाया गया। इलाका निवासी ने प्रशासन तो पुरजोर मंग करते हुए किया कि चाइना डोर बेचण वालियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तां जो किसी इंसान ते पक्षियों की जिंदगी नाल खिलवाड़ ना हो सके। नंगल तो पंजाब टीवी लई सहयोगी सज्जन।